जय श्री राम। आज का विषय है त्यागराज। अपनी असाधारण प्रतिभा से दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत, साहित्य और भक्ति में अमर ख्याति पाने वाले त्यागराज का जन्म तंजावुर यानी तमिलनाडु में सन 1767 में तेलुगु भाषिक ब्राह्मण राम ब्रह्म के यहाँ तिरुवायूर गांव में हुआ। इनके पूर्वज मूलतः कर्नूल यानी आंध्र प्रदेश जिले के निवासी थे। विजयनगर साम्राज्य की प्रेरणा से हिंदू संस्कृति का प्रचार के प्रचार हेतु वे तंजावुर राज्य में रहने लगे। इनके पूर्वज भी अच्छे संगीत के ज्ञाता थे। इनके पिता भिक्षाटन करके ही परिवार चलाते थे। इसी अपरिग्रही वृत्ति को त्यागराज ने अपनाया। 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार के समय सोंटी वेंकट रमणैया ने इन्हें शिक्षा दी। 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। एक कन्या पैदा हुई जिसका नाम सीता लक्ष्मी। भारत में योग साधना की 2 विधियां प्रचलित हैं, एक दृष्टि साधना और दूसरी श्रुति यानी श्रवण या शब्द साधना। कबीर और गुरु नानक देव की तरह इन्होंने शब्द साधना के द्वारा अपने अंदर अनहद यानी अनाहत सुना, जिसमें मृदंग, वीणा, बांसुरी और सारंगी जैसे वाद्यों की ध्वनि से मिलती जुलती ध्वनियाँ स्पष्ट सुनाई पड़ती थी। त्यागराज ने लिखा है कि देवर्षि नारद ने उन्हें स्वरार्णव नामक दिव्य ग्रंथ दिया। इसी के अध्ययन से संगीत में असाधारण प्रवीणता प्राप्त हुई। इसी ग्रंथ का एक श्लोक प्राण मध्यगतो ध्वनि मध्यगतो नादः, नाद मध्य सदाशिवः, अर्थात आत्मा के मध्य प्राण है, प्राण के मध्य ध्वनि है, ध्वनि के मध्य नाद है, नाद के मध्य में भगवान सदाशिव निवास करते हैं। जिस नाद की बात इस श्लोक में की है वह आंतरिक नाद है जिसके आधार पर साधना की जाती है। त्यागराज कहते हैं कि नाद की उपासना करके ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपनी दिव्य स्थिति में पहुँचे हैं। नाद सुधा के ने राम का रूप धारण किया है। आगे कहते हैं, स्वर, नाद और ओंकार का ज्ञान जिसके पास है वह जीवन मुक्त है। ये तीनों सदाशिव के ही रूप हैं। त्यागराज ने पुराने रागों की जांच परख की तथा उन्हें शुद्ध किया व नए रागों का अन्वेषण भी किया। नए पुराने रागों को मिलाकर उन्होंने कीर्तन और गीत लिखे गाए। वे बड़े लोकप्रिय हुए। उनमें तेलुगु भाषा का उच्च कोटि का काव्य तो है ही, प्रभु की भक्ति का आनंद व संगीत की मधुरता भी है। कांचीपुरम के श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री रामकृष्ण यतीन्द्र ने उन्हें श्रीराम नामक तारक मंत्र का उपदेश दिया। यतीन्द्र की आज्ञा से 21 वर्ष में उन्होंने 69 करोड़ राम नाम का जाप किया, जिससे श्रीराम का दिव्य रूप का दर्शन उन्हें हुआ। वह दशावतारों में श्रीराम को पूर्ण अवतार मानते थे। वह श्रीराम के निर्गुण रूप को मान्य करते हुए भी सगुण रूप के ही उपासक थे। त्यागराज कहते हैं कि उनके श्रीराम की संगीत में रुचि है। श्रीराम संगीत लोल है, गान लोल है और गान प्रिय है। संगीत की साधना राम को प्रिय है, इसलिए कुशल संगीतज्ञ त्यागराज ने अपने आराध्य संगीत प्रेमी श्री राम के चरण कमलों में सैकड़ों गीतों की माला अर्पित की है। भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा बताए श्री राम के 3 गुणों यानी शील यानी चरित्र, सौंदर्य और शक्ति पर वे भी मुग्ध हैं। श्रीराम आदर्श शीलवान है। उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला है।
वे अपरिमित शक्ति संपन्न हैं। उनकी शक्ति धर्म की स्थापना, सज्जनों की रक्षा तथा अधर्मरत अत्याचारियों के विनाश के लिए ही है। त्यागराज श्रीराम की अन्य तीन विशेषताओं पर भी मोहित है, एक बाण, एक बात और एक पत्नी। श्रीराम एक बाण से ही शत्रु का अंत कर सकते हैं, वे वचन के पक्के हैं, सत्य वाक्या दृढ़ व्रता, वह वा एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में त्यागराज को अच्छी जानकारी थी। पुरंदरदास, रामदास, नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम आदि संतों का आदरपूर्वक उल्लेख करते समय उन्होंने गोस्वामी जी को प्रथम स्थान दिया। त्यागराज अत्यंत अपरिग्रही थे। वे अपनी इसी वृत्ति की महत्ता को प्रकट करते हुए कहते हैं, हजारों रुपयों के मालिक होने पर भी मुट्ठी भर अन्न ही खा सकते हो, हजार वस्त्र होने पर भी एक बार में एक ही वस्त्र पहन सकते हो, तुम्हारा सर्वत्र राज्य होने पर भी तीन हाथ की जगह पर ही सो सकते हो, नदी में अथाह जल होने पर भी बर्तन भर ही जल ले सकते हो, तो फिर धन जोड़ने से क्या सुख मिलता है। मन को परमात्मा में लगाओ। एक श्रेष्ठ संगीतकार, कवि, भक्त और कीर्तनकार त्यागराज ने 80 वर्ष की आयु में सन 1847 में अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया और समा गए उस दिव्य ज्योति में जिसकी जीवन भर साधना आराधना की। आज भी तिरुवायूर में उनकी समाधि पर प्रति पांचवें वर्ष त्यागराज आराधना नाम से संगीतोत्सव का आयोजन किया जाता है। भारत माता की जय।